आप मेरे लिए चींटी की तरह हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि मुझे चींटियां पसंद हैं, इसलिए मैं मसलूंगा नहीं। ललित मोदी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी ललित मोदी, ये जो शब्द आपने अभी सुने ये ललित मोदी के ही शब्द हैं, या ये कहिए इंस्टाग्राम पर उनकी लंबी चौड़ी धमकी का एक चींटी नुमा अंश है। और ये धमकी उन्होंने दी किसको है? देश के बड़े वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को। दरअसल ललित मोदी इस बात से नाराज हैं कि रोहतगी ने उनके लिए भगौड़े शब्द का इस्तेमाल किया है। ललित ने कहा कि वकीलों को गपशप और गोष्ठियां करने की आदत होती है, लेकिन उस गॉसिप में भगौड़ा कहने से बचें। उन्होंने कहा कि मुझे मिस्टर मोदी कहकर संबोधित करें। इंस्टाग्राम पर ललित मोदी ने जो कुछ लिखा है वो हम आपको भी बताते हैं। उनकी पोस्ट है, आदरणीय मिस्टर रोहतगी जी, क्योंकि मुझे कभी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे पास आपका नंबर नहीं था, मेरे मन में आपके लिए हमेशा सम्मान है, लेकिन आपके पास केवल तिरस्कार है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि अपने जीवन में कभी भी मुझे भगौड़ा कहने से बचें। आप एक छोटे मोटे वकील हो सकते हैं और इस तरह यह पेशा आपको कॉमेडियन वगैरह बनाता होगा। देश की किसी भी अदालत ने मुझे ऐसा कहा हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, ज़रूरत हुई तो मैं आपसे खुद पूछूंगा। हम कांच के घरों में रहते हैं और कुछ देशों में हम सड़कों पर चलते हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। मैं लगभग एक बस से टकरा ही गया था, तो जीवन छोटा है। मुझे कभी भी आपके किसी भी एहसान की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कभी अपना वकील नहीं बनाऊंगा, उसके लिए मेरे पास सबसे बेहतर हरीश सालवे हैं। यदि आप मेरी सलाह नहीं लेने का फैसला करते हैं तो आप नहीं जान सकते कि मैं भगवान का पसंदीदा बच्चा हूँ, जैसे मेरी रक्षा करता है। एक युवा वकील के रूप में जो न्यायाधीशों को खरीदता है, मैं आपको लाखों बार खरीद और बेच सकता हूँ। अपने मुवक्किल के लिए जितना हो सके लड़ें, लेकिन मुझे केवल मिस्टर मोदी कहकर संबोधित करें। इसे एक बहुत ही रचनात्मक सलाह के रूप में लें, मुझे आपके मजाक करने में कोई समस्या नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपके कांग्रेसी बॉस पावर में नहीं आ सकते हैं। आप मेरे लिए चींटी की तरह हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि मुझे चींटियां पसंद हैं, इसलिए मैं मसलूंगा नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं सभी अदालतों में आपके पीछे जाऊँगा जहाँ कभी भी ये बात कहेंगे और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई देगा। मुझे पता है कि आप आंशिक वकील हैं जो अपने ग्राहकों के बारे में गपशप करते हैं, मैं वह भी दिल से नहीं लूंगा। जय हिंद। बताया जा रहा है कि मुकुल रोहतगी ने किसी आपसी बातचीत में ललित मोदी को भगोड़ा कहा था। वो बात ललित मोदी तक पहुंची तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा और अपनी पोस्ट में ललित मोदी ने रोहतगी को धमकी भी दे दी। वैसे तो मोदी रोहतगी पर भड़क गए, लेकिन उन्हें भारत में भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। ललित मोदी वही शख्स हैं जिन्होंने IPL की शुरुआत की थी, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। उसके बाद वो 2010 में ब्रिटेन चले गए थे। आज तक की खबर के मुताबिक मोदी फिलहाल लंदन में स्लोएन स्ट्रीट में एक आलिशान बंगले में रहते हैं। उनकी कुल संपत्ति करीब 4,500 करोड़ बताई जाती है। अब आपको मुकुल रोहतगी के बारे में भी बताते हैं। मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। वो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में देश के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। सरकार ने उन्हें दोबारा ये पद देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। रोहतगी वाजपेयी सरकार में सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। ललित मोदी की पोस्ट के बारे में आज तक के संजय शर्मा से बात करते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने अब तक वो पोस्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन वो इन सब की परवाह नहीं करते। रोहतगी ने कहा कि कोई कुछ भी बोले, इसका कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ता। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।